नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजली आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक मेडिसिन सिलेक्शन सीरीज़ लेके आई हूँ। दोस्तों बहुत ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि अगर आपको कई दवाएं बताई गई हैं या जैसे दो तीन दवाएं हैं उनके काफ़ी हद तक सिम्टम्स मैच करते हैं, तो आप ये कन्फ्यूज होते हैं कि इनमें से कौन सी दवा आपके लिए सूटेबल है, कौन सी आपको लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो इन्हीं सब कन्फ्यूजन्स के को क्लियर करने के लिए, उनके निदान के लिए मैंने ये सीरीज़ शुरू की है। इसमें मैं एक दवा का ऐसे कुछ मेन सिम्टम्स बताऊंगी, डिपेंड करता है कितनी बड़ी दवा है, मैक्स टू मैक्स मैं 10 सिम्टम बताऊंगी, जिनमें से अगर आपको 5 भी मैच कर रहे हैं, 6 भी मैच कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली उस दवा को ले सकते हैं, आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आज मैं आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा कॉमनली जो यूज़ की जाती है नक्स वोमिका के बारे में बताऊंगी और उसके कुछ ऐसे मेन सिम्टम्स बताऊंगी। अगर वो सिम्टम्स आपको अपने अंदर दिख रहे हैं तो ये दवा आप बेशक यूज़ कर सकते हैं और आपको ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल मत भूलें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। तो देर ना करते हुए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही जो बेल आइकन दिया है उसे आप प्रेस कर दें, आगे जितने भी वीडियोस आएंगे दोस्तों उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए अब बात करते हैं नक्स वोमिका के बारे में। नक्स वोमिका दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं इससे, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको यूज़ भी की है, लेकिन बहुत बार वो कन्फ्यूज होते हैं क्या नक्स वोमिका इन सिचुएशन में मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं इसके कुछ टॉप ग्रेटेड सिम्टम जिसके बेसिस पे आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके माइंडसेट वाली बात बताऊंगी। थोड़ा सा जेलस पर्सनालिटी का बंदा वो एक खुद ही एक इंसान समझ सकता है, मैं ये नहीं बोलती कि दूसरा कोई ऑब्जर्व कर सकता है इस चीज़ को। थोड़ा सा इरिटेबल, जेलस और लाइक ऐसे बहुत ज़्यादा केयरफुल, बहुत ज़्यादा कूल काम रहने वाला, लेकिन एक्साइटमेंट और गुस्सा बहुत क्विक आता हो, जैसे ऐसे बहुत अच्छा शांत इंसान हो लेकिन अगर आप उसको थोड़ी सी बात बोल दीजिए बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हो, बहुत जल्दी उसमें एक्साइटमेंट डेवलप होने लगती है, उन लोगों को नक्स वोमिका बहुत अच्छी सूट करती है। नेक्स्ट जो सिम्टम सबसे ज़्यादा है, बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ, आप बोल सकते हैं अगर आपने कुछ भी एक्सेसिव खाया है चाहे या पिया है, स्पेशली अगर कॉफ़ी चाय, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग की है आपने, बहुत स्पाइसी फूड खाया है और या तो बहुत ज़्यादा तेल जैसे बाहर का कुछ फास्ट फूड खा ले और उसको खाने के बाद अगर आपको डाइजेशन डिस्टर्ब हो रहा है तो आप डेफिनेटली नक्स वोमिका ट्राई कर सकते हैं और ये आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी दोस्तों। नंबर थर्ड सिम्टम, अगर आपकी थोड़ी सेडेंटरी हैबिट है, मतलब आपका दिन भर बैठे रहने का काम रहता है, दिन भर ऑफिस में बैठते हैं, बहुत ज़्यादा आप एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी आपकी ज़ीरो है और इसके कारण से आपका मोशन, आपका जो डाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, तो आप डेफिनेटली नक्स वोमिका ट्राई करें, आपको ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। नेक्स्ट दोस्तों, स्पेशली जो नक्स वोमिका का बहुत पिक्यूलर सिम्टम है, अगर आप मॉर्निंग में जब उठते हैं आपको परेशानी बढ़ी हुई से ज़्यादा लगती है, सपोज़ आपको मॉर्निंग में उठे तो आपको वॉमिटिंग सेंसेशन लग रहा हो, या आपने जब उठे सुबह या नाश्ता किया उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा प्यूक सेंसेशन हो, वॉमिटिंग सेंसेशन हो, तो भी आप नक्स वोमिका ज़रूर ट्राई करें। नक्स वोमिका मॉर्निंग में एग्रवेशन में बहुत अच्छी काम करती है और मैं अभी बाद में आपको इनके एग्रवेशन और एम्ब्लरेशन भी बताऊंगी कि कब इसकी परेशानी बढ़ती है कब घटती है, इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको सुबह उठते हैं आपको मतली जैसी आती है, जी मतलासा है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, तो भी आप डेफिनेटली नक्स वोमिका ट्राई करें, आपको ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं नक्स वोमिका कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छी काम करती है। कॉन्स्टिपेशन अगर किसी इंसान को है और उसको बार बार दोस्तों अर्ज बनी रहती हो कि हाँ मुझे मोशन पास करने जाना, मतलब फील हो रहा है लेकिन वो जा रहा है तो उसको प्रॉपरली हो नहीं रहा है मोशन, बार बार जाएगा होगा नहीं, एक डिससेटिस्फैक्शन सा रहे उसको, एक बार में क्लियर मोशन फील ना करता हो, उस सिचुएशन में भी आप नक्स वोमिका बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत लोगों को देखा होगा उल्टी के बाद उनको बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे उल्टी एक बार शुरू हुई तो उसको लगातार होती रहती है, लेकिन नक्स वोमिका उन लोगों को बहुत अच्छी काम करती है कि आपको जैसे सुबह उल्टी जैसी लग रही है और आप सोच रहे हैं कि एक बार हो जाती तो अच्छा था, मतलब उसके बाद आपको अच्छा महसूस होगा, मतलब उसको वॉमिटिंग के बाद
थोड़ा रिलीफ फील होने लगता है। अगर ऐसा लगता है, अगर ऐसा सेंसेशन आपको भी बार बार बना रहता है कि थोड़ी सी उल्टी थोड़ा हो जाता, मतलब लाइक बहुत अनइजीनेस सा लग रहा होता है, बार बार मतली आ रही होती और आप फील करते काश हो जाती वॉमिटिंग तो मुझे थोड़ा सा बेहतर फील हो रहा होता, ऐसे सेंसेशन बना हो तो भी आप ज़रूर नेक्स्टमॉमी का ट्राई करें, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। पाइल्स के केस में हेमरॉइड्स जिसको बोलते हैं, इसके केस में भी नक्सवोमिका बहुत अच्छी काम करती है। अगर आपको पाइल्स है, मोशन डिस्टर्ब रहता है, लाइफस्टाइल आपका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है नक्सवोमिका के लिए। सेडेंट्री लाइफ जिन लोगों की भी है, और उसके बाद अगर आपको इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, मोशन डिस्टर्बेंस रहते हैं तो वो डेफिनेटली नक्सवोमिका ट्राई करें, उनको अच्छे रिजल्ट देगी। अगर दोस्तों आप बहुत लंबे समय से जो लग्जेटिव है या पर्गेटिव्स जो हैं, जो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग लग्जेटिव होते हैं, लेने की टेंडेंसी है आपके अंदर, आप बहुत लंबे समय से लेते हैं और उसके वजह से आपको डायरिया, कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट होता रहता हो, लाइक आपको बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, आपने लग्जेटिवली लूज मोशन शुरू हो गए, वापस से आपने बंद की, फिर कॉन्स्टिपेशन होने लगा। अगर ये टेंडेंसी आपके अंदर है और आप लंबे समय से लग्जेटिव लेते आ रहे हैं, उन लोगों पे भी नक्सवोमिका का बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं नक्सवोमिका और ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। ये हो गई दोस्तों डाइजेशन रिलेटेड बातें। थोड़ी सी मेंटल में भी मैं बताऊं कि अगर आपको, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं हर चीज़ों के लिए, सेंसिटिविटी आप मान सकते हैं, बहुत तेज़ अगर स्ट्रॉन्ग स्मेल है उससे आप हो सकते हैं, बहुत तेज़ खुशबू है उससे हो सकते हैं, बहुत तेज़ लाइट से आपको परेशानी होती, साउंड से परेशानी होती, इन मतलब जितने भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं और उनसे आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने लगे, ऐसी आपके अंदर टेंशन है, बहुत सेंसिटिव हो आप इन सारी चीज़ों के लिए, तो भी आप नक्सवोमिका ट्राई कर सकते हैं। और उसके वजह से अगर सपोज़ आपको कोई इश्यूज होते हैं तो भी आप नक्स ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके एग्रवेशन और एम्ब्लियोरेशन की, कि किस सिचुएशन में नक्सवोमिका मतलब बहुत ज़्यादा एग्रवेटेड, मतलब किन परिस्थितियों में इसका सिम्टम बढ़े हुए हैं, और अगर आपके भी उस समय बढ़ते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। ये एम्ब्लियोरेशन मीन्स होता है जब आपको अच्छा फील हो रहा होता है, तो कौन कौन सी स्थिति है जिसमें नक्सवोमिका के एम्ब्लियोरेशन सिम्टम्स मिलते हैं, तो ये सिम्टम अगर आपको मैच कर रहे हैं तो आप श्योरली नक्सवोमिका लें, आपको ये अच्छे रिजल्ट देगी। तो सबसे पहले बताती हूँ एग्रवेशन की, एग्रवेशन मतलब सिम्टम्स कब ज़्यादा परेशान करने वाले होते हैं, सुबह सुबह स्पेशली एकदम भोर में, अगर 4 बजे ही आपकी आँख खुल जाती है और आपको परेशानी लगने लगती है तो भी नक्सवोमिका बहुत अच्छी काम करेगी, आप ले सकते हैं। साथ ही आपने बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग के बाद आपको, या ओवर एग्जर्शन, मेंटल एग्जर्शन भी अगर आपको बहुत ज़्यादा ओवर हुआ है, ओवर ईटिंग है, ओवर मेंटल एग्जर्शन है, साथ ही आपको साउंड लाइक लाइट इन सब से आपके जो भी परेशानियां हैं वो अगर बढ़ने लग जाती हो, आपने ऐसा अगर महसूस किया है कि अगर आप सपोज़ आपको सर में दर्द है और सर में दर्द के बाद भी अगर आपको थोड़ा सा लाइट, थोड़ी सी रोशनी, थोड़ा सा साउंड या स्मेल से वो परेशानी और ज़्यादा बढ़ती हुई लग रही है, और आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सा सेडेंट्री है, आप बहुत बैठे रहने का काम करते हैं, तो आप डेफिनेटली नक्स ट्राई कर सकते हैं और ये आपको अच्छे रिजल्ट देगी। रिलीफ किस समय में इसको लगता है, इवनिंग में, शाम के समय इसको बहुत अच्छा लगता है, या फिर अगर आप रेस्ट कर लिए, बहुत लोग, बहुत मेरे कई पेशेंट बोलते हैं मैडम मुझे बहुत सारी परेशानी लगती है लेकिन अगर मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगता है। तो रेस्ट करके अगर आपको अच्छा लगता हो, इवनिंग में आपको थोड़ा सा शांत बैठना अच्छा लगता हो, लेटना पसंद आता हो, लेटने के बाद आपकी आधी से ज़्यादा परेशानियाँ अगर ठीक होने लग जाती हों तो भी आप नक्सवोमिका ट्राई कर सकते हैं, आप किसी भी परेशानी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली रिजल्ट अच्छे देगी। तो डोजेस जो आपको लेनी है नक्सवोमिका की, अगर आपने 30 पोटेंसी से शुरू की है तो 2 बूंद आपको डायरेक्टली टंग पे लेना है सुबह, दोपहर, शाम, अगर आपने 30 पोटेंसी ली है। 200 पोटेंसी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, शुरू करें, वैसे मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, स्टार्ट विद द 30 पोटेंसी, आपको 30 पोटेंसी को लेना है पहले। आप अगर बहुत ज़्यादा आपका मोशन डिस्टर्बेंस और मेंटल भी कहीं पे भी दिक्कत है तो शुरू करें 30 से, 3 बार लीजिए, कम से कम आप हफ्ता 10 दिन लेने के बाद फिर आप शिफ्ट हो सकते हैं अपने 200 पोटेंसी पे। 200 अगर आप ले रहे हैं तो रात में सिर्फ 1 बार लें, और अगर आपको मतलब उससे हायर पोटेंसी में गए, अगर आपको 100% एश्योर है कि आपको आपके सिम्टम्स मैच कर रहे हैं पूरे पूरे, तब आप हायर पोटेंसी की तरफ जा सकते हैं। तो 1 एंड पोटेंसी अगर आप ले रहे हैं तो मैक्स टू मैक्स आप हफ्ते में 1 बार लें, या मैक्स टू मैक्स 2 बार ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आप हायर पोटेंसी को मत लें।
तो ये आप लेने का तरीका रखें 30, 200 देन 1, डायरेक्टली 1 पे शिफ्ट ना हो, शुरू करें लोअर से देन हायर पे जाएं, फिर उससे हायर पे जाएं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।